से 3 दिन बाद लावा ला रहा है नया स्मार्टफोन इंडिया में। गूगल की मैसेज ऐप में नया फीचर मिलने वाला है। डीजीआई ने कर दिया है नया ड्रोन लॉन्च। ऐसी कुछ कमाल की खबरें हैं आज के लास्ट एपिसोड में, तो देखिए वीडियो लास्ट तक। मैं हूं अशफाक और आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक्निकल चार्जर। शुरुआत करते हैं टेक न्यूज की और सबसे पहले बात करते हैं लावा के आने वाले स्मार्टफोन के बारे में। अग्नि नाम से इस फोन को प्रमोट कर रही कंपनी जोर शोर से। सभी सोशल प्लेटफॉर्म्स पर आपके इसके टीजर्स मिल जाएंगे। पंच होल डिस्प्ले टीजर में दिखाई दे रही है। अब दोस्तों अग्नि नाम इस फोन का क्यों रखा है कंपनी ने, क्या जो सेंटिमेंट्स हैं लोगों के उसके साथ में लगातार माइक्रोमैक्स और लावा जैसी कंपनी खेलना चाहती है या फीचर भी देना चाहती है स्पेसिफिकेशन जो उनके वैल्यू फॉर मनी हो सके, दोस्तों ये जवाब तो तब मिलेगा जब 3 दिन बाद फोन लॉन्च होगा। देखते हैं फोन में क्या अनोखा और नया निकल के आता है। गूगल की मैसेज ऐप जो कि एंड्रॉइड फोन्स में मिलती है उसमें एक नया फीचर ऐड हो गया है। सेटिंग्स में जाके गूगल फोटोज नाम का एक नया फीचर है उसको इनेबल करना है। उसके बाद यूजर अपने फोन की ये गूगल मैसेज ऐप से सीधे किसी को वीडियो या फोटो सेंड कर सकते हैं। ये सहूलत अभी तक नहीं मिल पा रही थी। टेक्स्ट भेज सकते थे, इमोजीज को ऐड कर सकते थे, GIF ऐड कर सकते थे, लेकिन फोटोज और वीडियोज के लिए अब ये नया फीचर आ गया है जो कि शायद लोगों को पसंद आ सकता है। ट्विटर स्पेस पर मौजूद किसी भी ऑडियो ब्रॉडकास्ट को अगर आप सुनना चाहते हैं तो ट्विटर यूजर होना जरूरी है, लेकिन अब इसमें ट्विटर ने कर दिया है बदलाव। कोई भी डायरेक्ट लिंक आपको होस्ट या फिर लिसनर सेंड कर सकता है और उस लिंक के थ्रू आप वेब ट्विटर पर जाके उसे सुन सकते हैं। फिलहाल अभी स्मार्टफोन पर यह फीचर अनवील नहीं हुआ है, धीरे धीरे आपको वहां पर भी यानी कि आईफोन और एंड्रॉइड फोन्स पर भी मिलना शुरू होगा। दुनिया भर की सरकारें 5G नेटवर्क को अपने मुल्क में लाने के लिए बेताब दिखाई दे रही है। डेवलप कंट्री बहुत आगे निकल चुके हैं, डेवलपिंग कंट्री अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। ब्राजील से एक नई खबर आ रही है कि वहां पर 26 GHz के जो अनसोल्ड 5G स्पेक्ट्रम है उनकी एक बार फिर से नीलामी की जाएगी। डेट अभी अनाउंस नहीं की है। वहां के जो टेलीकॉम मिनिस्टर है उनकी तरफ से ये जानकारी आई है कि जो मॉडल है ना टेलीकॉम इंडस्ट्री का उसमें अनसर्टेनिटी है, जिसकी वजह से ये जो 5G स्पेक्ट्रम थे वो इंटरेस्ट उसमें कंपनियों ने नहीं दिखाया, इसीलिए सरकार कुछ उसमें बदलाव करके दोबारा से ऑक्शन में लेके आएगी। देखते हैं दोस्तों ब्राजील कब तक 5G लाता है और इंडिया में एग्जैक्ट 5G कब तक लॉन्च हो पाता है। DJI ने नया ड्रोन Mavic 3 अनाउंस कर दिया है जिसमें कि गिम्बल के साथ साथ ड्यूल कैमरा सेटअप भी दिया गया है 5.1K वीडियो सपोर्ट के साथ। मैं आपको बता दूं कि इसमें हैसलब्लाड के कैमरा लेंसेज यूज किए हैं, यानी कि आपको पिक्चर क्वालिटी बेहतर मिलने वाली है। अब तक का बिल्कुल एक नया और यूनिक एक्सपीरियंस होगा। इंडिया में दोस्तों यूजर्स को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, अभी फिलहाल चाइना और जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं वहां पर ही लिस्टेड हुआ है। जल्दी देखते हैं कंपनी इंडिया के बारे में अनाउंस शायद कर सकती है। अगला अपडेट एप्पल से है। कंपनी ने कुछ महीने पहले आईपैड मिनी 6.8 इंच डिस्प्ले का लॉन्च किया था, लेकिन कस्टमर्स ने दोस्तों खरीदने के तुरंत बाद कंप्लेंट करना शुरू किया कि उन्हें डिस्प्ले पर जेली स्क्रोलिंग जैसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। कंपनी ने उसको हाथ एक्नॉलेज किया और अब रिपोर्ट आ रही है कि कंपनी इस समय आईपैड मिनी 120Hz रिफ्रेश रेट वाला प्रोमोशन डिस्प्ले पर काम कर रही है, यानी कि अगला आईपैड मिनी ज्यादा बेहतर डिस्प्ले के साथ मिलने वाला है। दुनिया भर में गूगल मैप्स का लोग कितना इस्तेमाल करते हैं इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसी वीक गूगल मैप्स ने 10 बिलियन डाउनलोड्स कंप्लीट कर लिए हैं। ये आंकड़ा गूगल प्ले स्टोर और यूट्यूब के थ्रू डाउनलोड किए गए डिजिट्स का है। मतलब एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है दुनिया भर में लोगों की जो कि अपने एंड्रॉइड फोन या फिर नॉन एंड्रॉइड फोन्स पर भी दोस्तों गूगल मैप्स का इस्तेमाल करते हैं। और लास्ट में खबर है ओला से। पैंडेमिक के बीच टैक्सी के बाद ओला स्टोर को कंपनी ने लॉन्च किया बड़े शहरों में किराने का सामान घर घर तक पहुंचाने के लिए, लेकिन कंपनी को उतनी कामयाबी नहीं मिल पाई। अब कामयाबी का रास्ता ढूंढते हुए कंपनी ने एक नया अपडेट रिलीज किया है। सिर्फ 15 मिनट में किराने का सामान घर तक पहुंचाएगा ओला स्टोर। इसके लिए उसने एक नया बेड़ा गाड़ियों का और डिलीवरी बॉयज का इकट्ठा किया है और तैयार किया है ताकि बड़े शहरों में 15 मिनट के अंदर सिर्फ उनका किराने का सामान जो भी है वो ऑर्डर पहुंचाया जा सके। अब देखते हैं दोस्तों कि यहां पर एक नए प्रयोग के साथ में ओला कितना कामयाब होता है। बाकी दोस्तों फिलहाल ये थी आज के टेक न्यूज एपिसोड में। कैसे लगा नीचे कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलेंगे और वीडियो के साथ, तब तक रखिए अपना ख्याल। जुड़े दीजिए हिंदुस्तान जिंदाबाद।